अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं मलिक जलाल यूट्यूब चैनल। जी तो आज वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। चल बोझड़ी के। तो आज की वीडियो करते हैं जी अभी से शुरू। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, ईद का दूसरा दिन शुरू हो गया है। तो अभी असद भाई से मेरी बात हुई है, वो छुट्टी गए हुए हैं, तो वो इधर ही रावलपिंडी में ही रहते हैं। तो अभी उनसे मुलाकात होनी है, तो वो अभी उनकी तरफ, मैं यहाँ से अपने घर से रवाना हो रहा हूँ उनकी तरफ। तो चलते हैं, अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा इंट्रो करा दूँ, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, टाइम शॉर्ट है। तो मैंने अभी बाइक या बुलाया है, तो बाइक के आने में बस 5 मिनट लगने हैं। तो उसके बाद मिलते हैं वहां असद भाई के पास, तो फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो चले असद भाई के पास। A few minutes later. अभी मैं पहुंच गया हूँ असद भाई की जगह पर और इंतजार कर रहा हूँ। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ उनके इंतजार में। मैंने कहा पे वो आएंगे तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत लेट करा दी। मैंने कहा क्यों ना वीडियो स्टार्ट कर ली जाए। तो वो आ रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तो उनसे भी मिलाते हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक फैमिली पार्क अल शिफा हॉस्पिटल के पास। तो मैं आपको चेक कराता हूँ कि वहाँ झूले चल रहे हैं, लेकिन हमने जाना है अयूब पार्क। वो आते हैं तो बताएंगे कन्फर्म क्या है। तो पहले उन्हें इंतजार कर रहे हैं, वो आते हैं तो फिर देखते हैं क्या करना है। चेक कराता हूँ झूले चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं वो आप सामने चेक करें। झूले ही झूले हैं और यहाँ से झलकियाँ तो आ रही हैं असद भाई की। फाइनली पहुँच चुके हैं, कॉल कर रहे हैं, बास्केट बनी हुई है और हे असद भाई फोन पे हैं किसी के साथ। तो शुक्र है पहुंच चुके हैं फाइनली। अभी वो मसरूफ है, फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हैं। फाइनली असद भाई पहुंच चुके हैं, इन्होंने बहुत दलील किया। पहले कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आप पहुंच जाओ। ये नूर साहब है हमारे एक और खज्जल दोस्त, होने आ रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में, तो यहाँ बहुत रश है, लेकिन लाइन में लग गया, टिकट लेना पड़ेगा। जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं, यहाँ पे जा रहे हैं कि हम लोग पार्क के अंदर गए सुबह वाली जगह पर। वहाँ इतना रश है, लाइन में लगना, टिकट लेते लेते आई थिंक आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं दूसरे पार्क। हमने कहा खुले माहौल में चलो, यहाँ पर जाना बेवकूफ़ी है। असद भाई आगे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि असद भाई रावलपिंडी को मेरा ख्याल है आई थिंक सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप आवाज़ें सुन रख सकते हैं, कलाबाजियों वाला झूला चल रहा है। हम लेके पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ बैठे हैं। अभी सोच रहे हैं कि किस साइड पे जाएं, जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। इस पार्क का नाम है यार उल्टा है, हम कुछ बोल रहे हैं और असद साहब कुछ बता रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जाने का सोच रहे हैं। यह तो बात है, हम लोग भाई त्याग लें, असद साहब तो वेल एजुकेटेड है ना, इसलिए कछुआ है अंदर शेर बैठे। ओए आजा। हेलो असद भाई, जल्दी है, आपको एक चीज चेक कराता हूँ। आपका भाई है, आपका भाई नजर आ गया मुझे, राजा राजा जीजू। आप असद भाई का भाई नजर आ गया, आपको चेक करा। मेरे भाई जी कैसे हो गए? नहीं नहीं, असद भाई का भाई नजर आ गया। चले असद भाई, असद भाई का भाई नजर आ गया। ये राजी असद भाई का भाई, ये असद भाई है और ये असद भाई का भाई। मस्ती कर रहे हैं, आज आ जा तू, बड़ी राम मौत मना है, तनु कुत्ते आने ही खाना है। असद भाई को काम पे लगा दिया, वो अभी लाइन में लग चुके हैं, मुझे कह रहे हैं और आज खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आए टिकट लेके। फाइनली असद भाई टिकट लेके आ गए और भाई जान टिकट भी बहुत महंगा है और रश भी बहुत ज्यादा है। फाइनली जा रहे हैं हम लोग इस झूले झूला लेने वाले हैं। अच्छा जी, झूले वगैरह ले लिए हैं और अभी हम लोग यहाँ से रवाना होने लगे हैं। यहाँ पर कोई कमर्शियल एड चल रहा है, यहाँ आपको चेक कराते हैं, कोई एड चल रहा है? एड नहीं चल रहा, डांस चल रही है यहाँ पर। The next
नेक्स्ट डे। असल में ना वो पाके आपको सीन नहीं दिखा पाए, इस वजह से रात हो गई थी। उस झूले के बाद एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी। असद भाई और मैंने खाना खाया, असद भाई अपने घर चले गए थे, मैं अपने घर आके सो गया था। अब अगली सुबह हो चुकी है, ईद का तीसरा दिन है, तो मैंने कहा इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। बलिक जलाल को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।